स्टार्ट। आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि औरंगाबाद से 8-10 दिन के बहुत मेहनत और मशक्कत के बाद हमारे पास जो मेहमान मजदूर आए हुए थे, जिनके पैर छालों से भरे हुए थे, जिनके छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे, वो परेशान थे, भूखे थे, आज हम उनको रवाना करके बैठे हैं। अगर कुछ रवाना होंगे, तारीख जब भी ये दौर लिखेंगी, ये बात लिखेंगी, तो तारीख दो हिस्से लिखेंगी। एक हिस्सा लिखेंगी कि कुछ लोग मीडिया के जरिए जहर फैला रहे थे और उनके पागल दिमाग, उनके दिमाग के कीड़े उनको मजबूर कर रहे थे कि वो जातों पे बांटे, और कुछ दीवाने देश से मोहब्बत करने वाले, इंसानियत से मोहब्बत करने वाले, इंसानियत के नाम पे खड़े रहने वाले, जात पात से उठकर जुड़ने वाले और बताने वाले कि देश, ये मुल्क इंसानों का मुल्क है, यहाँ पर अगर हम इंसानों की तरह रहेंगे तो देश बाकी रहेगा। ये वंदे मातरम के नारे लगाने वाले लोग नहीं थे, ये काम करने वाले लोग थे जिन्होंने जात से उठकर ऐसे लोगों को पनाह दी जहां पे वो लोग मरने के करीब थे। हम खबरें पढ़ते हैं, हमने देखा कि रास्ते में चलने वाले मजदूर, कहीं पटरी पे आकर 16 मजदूरों ने जान दे दी, कहीं खंडवा पहुंचते पहुंचते 2 मजदूर मर गए, कहीं किसी के रास्ते में कुछ ये हादसा हो गया, ट्रक पलट गया। ऐसे में जब इंसानियत कराह रही थी, जरूरत थी, हम तहरीक पैम इंसानियत की तरफ से बड़े ममनून है इस महल के, इन्होंने, जहां लोग कोरोना के डर से खौफ ज्यादा थे, इन्होंने दिल खोला और यहाँ पे ना सिर्फ खाने का इंतजाम किया, बल्कि मैं तो देखकर हैरान हूँ कि बच्चों के दूध तक इन्होंने पहुँचाए, जो छोटे छोटे बच्चे साथ में थे। और शुक्रिया कहाँ से अदा किया जा सकता है इसका, क्योंकि ये ऐसे वक्त में मरते लोगों की मदद करने का शुक्रिया तो हम अदा नहीं कर सकते, लेकिन जैसा कि कहा जाता अरबी में है, मन ला शुक्र नास ला शुक्र ला, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता, इसीलिए हम यहाँ की टीम के शुक्रगुजार हैं। और हम कहेंगे, पूरे हिंदुस्तान के कमिश्नर से कहेंगे कि अगर कमिश्नर देखना है तो औरंगाबाद के कमिश्नर को देखो, जो रात में निकलकर फेरे लगाता है, राउंड लगाता है और देखता है कि मेरे शहर में कोई परेशान है कि नहीं। मैं नाम लेना चाहूंगा मिस्टर चिरंजीव प्रसाद सर का, और मैं नाम लेना चाहूंगा हमारे शहर के औरंगाबाद के दिलदार लोगों का, जिन्होंने एक टाइम का खाने का निजाम कम नहीं पड़ने दिया, बल्कि खाना आता गया। एक टाइम का खाना 2 लोगों को खिलाना आसान है, 100 लोगों को खिलाना आसान है। हम देख रहे थे 900 लोगों को खाना औरंगाबाद वालों ने खिलाए बगैर अपने चेहरे पे बल डाले। और मैं सलाम करूंगा उन माओं को जो घर में बैठी थी, रोजा रखी थी, लेकिन उन्होंने 16-16 20-20 50-50 रोटियां घर से भेजी। मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, इस वक्त और हर वक्त ये देश इंसानियत के बल पे आगे बढ़ा है, इंसानियत के नाम पे नहीं चले और किसी भी रुख को किसी मजहब से न जोड़े। बहुत शुक्रिया। देखिए दोस्तों, जब हम लोग पहले दिन 2-4 लोग यहाँ से, जब हम लोग नगर नागर गए, वहाँ देखा कि लोगों के पैरों में छाने हैं, लोग पुणे से, नगर से, मुंबई, पनवेल से पैदल चल करके आ रहे हैं। 5 दिन में वो लोग औरंगाबाद पहुंचे और उनको गाँव जाने के लिए और 15 दिन 20 दिन 1 महीना लगेगा। तो ये जब कैफियत औरंगाबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस चिरंजीव प्रसाद साहब को बताई गई, तो उन्होंने एक इसमें खुद कदम उठाया है और एक इनिशिएटिव लिया कि क्यों ना इन लोगों को रखा जाए। जब रखने की बारी आई तो सिल्क मिल कॉलोनी में जो मोइलूम स्कूल है, उनके मैनेजमेंट को एक फ़ोन पर वो लोगों ने माना और वो लोगों ने हमको ये अलॉट की जगह। इसी तरीके से सयादी लॉन्स भी एक उन बोलने पर वो लोगों ने अलॉट किया। अब मसला ये था कि भी रख तो लेंगे, इनका खाने का निज़ाम कैसा बनेगा, वॉलेंटियर्स यहाँ चाहिए, कम से कम 400 लोगों को कंट्रोल करने के लिए कम से कम 40 वॉलेंटियर्स एक साथ चाहिए। तो उसमें सादत नगर की टीम है, सिल्क मिल कॉलोनी की टीम, इतनी टीमें आगे आई कि हम लोग पूरा कर लेते हैं मैनेजमेंट। इवन ये लोगों ने कहा कि भाई खाने से लेकर हर चीज़ का निज़ाम हम लोग बनाएंगे। इसमें सबसे ज़्यादा, अगर मैं नाम नहीं लूँगा तो उसका वो हो जाएगा, ऑल इंडिया पयाम इंसानियत मौलाना जुनैद फारूकी साहब, उनकी टीम का, कम्युनिटी पुलिसिंग के डॉक्टर किशोर उड़ान सर, PI घनश्याम सोनू ने, जिसके नेतृत्व में और जिनके सपोर्ट के साथ खांदे को खांदा मिला करके वो लोग खड़े रहे। जो भी शासकीय प्रशासकीय जो भी हमको प्रॉब्लम आई वो लोगों ने फेस किया, और आज जब ये हसमुख चेहरे हम लोगों ने देखा, बस के जरिए, रेल के जरिए जब ये लोग अपने अपने गांव जो लोग पहुंचे, उन्होंने वहां से फ़ोन करके बताया कि भाई हम लोग घर पर पहुंच गए, कि रमज़ान के महीने में खिदमत का मौका मिला, इसके लिए हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं।